हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एनी और आप देख रहे हैं मेरे प्लान्स टू डेली लाइफ। और आज बहुत अरसे के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। और वजह तो आप जानते ही हैं, मेरी बीमारी, मेरी तबीयत की वजह से मैंने बहुत अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं मुसलसल 5 मिनट बोल नहीं सकती। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग इंस्टा पे मुझे मैसेजेस करते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करते हैं, तबीयत के बारे में पूछते हैं, दुआएं देते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप सब लोगों की तहे दिल से, कि आप लोगों ने मेरी एब्सेंस को फ़ील भी किया और मेरे लिए दुआएं भी की और जानना भी चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो जिस तरह आप लोगों को मालूम ही है, जैसे आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि मेरा ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और हुआ कुछ इस तरह से कि एक बीमारी से लड़ते लड़ते मैंने ख़ुद पैसे देकर एक और बीमारी को ख़रीद लिया है। जी हाँ, रेडिएशन हुई थी मेरी और 4 साल गुजर चुके हैं रेडिएशन को, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे लंग्स पर हुए, जो कि अब मुझे मालूम हुआ। और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि मैं मुसलसल 5 मिनट बोल नहीं पाती, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है और उसकी वजह से बोलने में मुझे दुश्वारी होती है, क्योंकि जब सांस पूरा नहीं आ रहा होता, खींच के लेना पड़ता है, तो फिर मुझे खांसी का शदीद वाला अटैक हो जाता है, तो फिर मैं बोल नहीं पाती। तो इस वक्त भी मैंने इन्हेलर यूज़ किया हुआ है, मेडिसिन ली हुई है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। दुश्वारी का सामना है, बट फिर भी तो बज़ाहिर देखने में तो ठीक लगती हूँ, बट जब मैं बोलती हूँ तो फिर पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है। और सांस, आपको पता ही है कि मेन चीज़ सांस है। सांस लेने में अगर दुश्वारी है, अगर किसी को एफर्ट करनी पड़ रही है सांस लेने के लिए, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दुनिया में, आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ यही होगी। सबसे तकलीफ़ दे चीज़ यही है कि आपको सांस लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़े। बाकी सारी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस बीमारी के आगे छोटी लगती है, क्योंकि एक इंसान अगर सांस नहीं ले पा रहा तो वो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये था जी मेरा इशू, और अभी भी थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब होनी शुरू हो रही है। तो बट मैंने सोचा कि सब लोग, आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, मुझे मिस कर रहे हैं, तो चलिए मैं छोटा सा एक क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ और बता भी देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वापस तो आ गई हूँ, और बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा ट्रैवल के दौरान भी, क्योंकि इस दफ़ा जो एयरलाइन चूज़ की गई वो न्यू है। न्यू को भी 2 साल तो हो गए हैं फ्लाई जिना को, बट इंतहाई थर्ड क्लास सर्विस है। मैंने सोचा चलें साथ साथ रिव्यूज़ का भी देती हूँ। अगर कोई चाहता है फ्लाई जिना को चूज़ करना, तो वो ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि ना तो सामान ले जाने की इजाज़त है, इतना महंगा टिकट होने के बावजूद आप ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, उसकी पेमेंट करनी होगी, और कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं देते ये लोग, और इवन पानी भी अगर आपको चाहिए तो वो परचेज़ करना पड़ेगा, किसी को कुछ खाना है तो वो परचेज़ करना पड़ेगा, और मज़ीद काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं फ़्लाइट में। तो हमेशा मैं आती हूँ, जब भी कराची टू लाहौर मुझे ट्रैवल करना होता है बाय एयर ही मैं आती हूँ। एयर सयाल, एयर ब्लू, दूसरी एयरलाइंस बहुत अच्छी हैं, बट ये जो एयरलाइन है इंतहाई फजूल मैं कहूँगी कि है। और कोई पेशेंट अगर आ रहा है, ठीक है कि टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, कि अगर कोई
किसी और तरीके से आना चाहता है बट उसके लिए प्रॉब्लम है, जिस तरह ट्रेन या बाय रोड कोई आना चाह रहा है, बट हाँ अगर ये चूज़ कर ले बाय एयर आना चाहते हैं तो इस वाली एयरलाइन का इंतखाब आपने नहीं करना। और वैसे तो खैर हालात इतने मुश्किल बना दिए गए हैं पाकिस्तान में कि अब आप एयरलाइन का तो सोच ही नहीं सकते, बायर ट्रैवल करने का आप नहीं सोच सकते क्योंकि बहुत महंगा टिकट कर दिया गया है, तमाम एयरलाइंस के टिकट्स बहुत महंगे हैं। बट जो ये न्यू एयरलाइन है इसका भी टिकट भी बहुत महंगा है और कोई सर्विसेज भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो खैर जी वापस तो मैं आ गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हूँ कि मेडिसिन अगर यूज़ करती रहूँ, इनहेलर्स यूज़ करती रहूँ तो थोड़ी देर बोल पाती हूँ, अदरवाइज बोला नहीं जाता, मुसलसल मैं नहीं बोल सकती क्योंकि खांसी मुझे होने लगती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दो फेफड़ों में से अगर एक फेफड़ा डैमेज हो जाए तो सांस लेना और बोलना बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल आज मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आइंदा भी ज़्यादा गैप के बग़ैर आपसे मिल लूँ। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।